Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Dinesh Nadia and today we are going to see the new topics in the Python, that is input. Okay, so first of all, hope so you are following my lectures and seeing all the videos which I have made for the Python. Okay, and in which I have explained the last videos are for the operators. Last topic was operators, in which I have explained operators in the detail and explained each and every type of operators and the bitwise operators in much more detail, so that you can get the binary form of any numerical values. Okay, जो numerical value आपको चाहिए उसका binary form कैसे निकालना है वो हमने last lecture में देखा था. But then also, if you have any query, then kindly let me know in the comment section so that I will look into it and share you the same. Okay, so now suppose you have made a program, okay, in which you have to ask the customer for their input, means what they want. जैसे अभी हमको कोई एक ऐप ऐसा बनाना है जिसमें हमको कस्टमर का फीडबैक चाहिए और कस्टमर से फीडबैक लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, सपोज आई वॉन्ट, लाइक वी आर आस्किंग व्हाट्स द हाइट ऑफ द, सपोज द यूजर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द यूजर, व्हाट इज द वेट ऑफ द यूजर, नेम एंड एवरीथिंग. वी आर आस्किंग द इनपुट, ओके, फ्रॉम द कस्टमर, मीन्स वी आर आस्किंग फॉर द मेल आई डी, फॉर द कॉन्टेक्ट नंबर, एवरीथिंग. तो वो हमारा एक इनपुट है जो हम कस्टमर से ले रहे हैं. ओके, अभी तक हमने क्या किया, दैट वी आर प्लेसिंग द वैल्यू, वी आर गिविंग द वैल्यू टू द वेरिएबल. ओके, नाउ वी आर आस्किंग टू अवर कस्टमर, वी कैन से फॉर द इनपुट वैल्यू. ओके, फॉर द इनपुट वैल्यू फॉर द वेरिएबल्स. ओके, सो हाउ इट इज, सो सपोज माई वेरिएबल इज ए, ओके, सपोज माई वेरिएबल इज ए, व्हाट आई विल आस्क, इनपुट. ओके, इनपुट एक फंक्शन है, इनपुट इज अ फंक्शन इन विच वी कैन आस्क द कस्टमर फॉर देयर वैल्यू, फॉर देयर इनपुट, सॉरी, आस्क फॉर द इनपुट, एंटर योर नेम. सपोज आई हैव आस्क्ड, एंटर योर नेम. ओके, सो सपोज आई हैव आस्क्ड, सो दैट आई विल रन द प्रोग्राम, एंड व्हेन आई रन द प्रोग्राम, जैसे ही मैंने रन किया, ये यहां पे इनपुट के लिए आ जाएगा. ओके, दिस मेन विल ओपन एंड दे विल आस्क फॉर द इनपुट. सो एंटर योर नेम, सपोज माई नेम इज दिनेश, सो आई हैव एड दिनेश. नाउ इफ आई डू प्रिंट ए, ओके, प्रिंट ए, ओके, अगेन इट विल आस्क, बिकॉज मैंने यहां पे अगेन रन किया है, सो इट विल बी दिनेश एंड एंटर दिनेश. ओके, सो दिस इज द इनपुट फंक्शन इन विच वी आर आस्किंग द इनपुट फ्रॉम द अदर यूजर्स, यू कैन से फ्रॉम द यूजर्स वी आर आस्किंग द इनपुट. ओके, आई विल से कस्टमर, बिकॉज मेरा कुछ हैबिट है, आई एम इन द डिफरेंट बैकग्राउंड, तो मेरा कस्टमर ज्यादा निकल रहा है, बट आप कंसिडर कर सकते हैं कि यूजर के साथ हमको क्या इनपुट लेना है. ओके, व्हाट इनपुट वी आर आस्किंग फ्रॉम द यूजर. ओके, सो दिस नेम दिनेश इज अ स्ट्रिंग. ओके, नाउ यू नो व्हाट इज स्ट्रिंग. सो सपोज मैं पूछता हूं नेम. ओके, सो आई एम आस्किंग फॉर द डिटेल्स. ओके, सो व्हाट इट विल बी इनपुट, enter your name. Okay, so now what it will be, print, there is an f string. Hope so मैंने आपको बताया, अगर नहीं बताया तो मैं बता दूं. देखो इसमें क्या होता है कि f string एक टाइप की स्ट्रिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे अब मैं आपको बताता हूं, प्रिंट नेम मैंने कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, दिनेश कर दिया, तो मेरा ये नेम आ गया दिनेश, ठीक है. लेकिन f string में क्या होता है, जिसे अब मैंने लिख दिया एफ योर नेम इज, यहां पे करली ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नेम इज दिस वन, ठीक है. सो यहां पे मैंने पूछा, ये आ गया, सो सी योर नेम इज दिनेश, तो करली ब्रैकेट में मेरा जो वेरिएबल है, जो मेरा, वो मैं करली ब्रैकेट में लिख सकता हूं यूजिंग दी एफ स्ट्रिंग. ओके, ये आप जब पुराना पाइथन देखोगे जो 2 पॉइंट में आएगा, या फिर जो अपडेट के पहले था 3 में भी, तो पाइथन 3 में, तो उसमें ये नहीं थी एफ स्ट्रिंग. ये एफ स्ट्रिंग अभी आई है, आई थिंक 3.7 के बाद आ गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
So this is a newly added in the Python, that this f string. So f string is your name is and you have written in the curly bracket your variable, and that your variable will come inside the whole string. Okay, so you don't have to write that your name is Dinesh and like that. Just write the variable and you will get the answer. Okay, this is the use of f string. This is a very important use. आगे हम बहुत सारी जगह यूज करेंगे. ओके, एफ स्ट्रिंग. नाउ सपोज आई हैव टू एड टू वैल्यूज. ओके, सपोज आई वॉन्ट टू एज, लेट मी आस्क द एज फर्स्ट. इनपुट वॉट इज योर एज. ओके, सो आई हैव आस्क द क्वेश्चन. नाउ आई एम गिविंग द कोलन so that my answer is visible. Okay, so see, there is a space I am giving so that this space will be there. ये space रहे यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ही space दे दिया है. ठीक है, so print f my f string my age is age. Okay, so ये मेरा हो जाएगा. तो मेरा age लिखता हूँ. Suppose for an example I am writing my age 30. Okay, so I am writing my age 30. So my age is 30. Okay, this is clear. ये यहां तक clear है सबको. Okay, so this is the way we can use the input function. Now suppose मुझे कोई दो value, मुझे दो input दिए हैं. Two inputs are given and I have to add that inputs. Okay, now is input enter the number 1. ओके, पहला नंबर. एंड बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर 2. ओके, सो दीज आर द टू इनपुट्स एंड फिर मुझे ये दोनों को ऐड करना है. प्रिंट ए प्लस बी. ओके, सो यू नो द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे. जैसे 5 हुआ ए का और बी का 4 हुआ, तो हमारे पास प्रिंट आ जाएगा 9. नाउ हमने प्रिंट किया 5 4. ओह, व्हाट हैपन हियर, हाउ इट कम्स टू 54. ये तो यहाँ पे ए प्लस बी मेरा 5 प्लस 4 9 आना चाहिए. देन व्हाई इट इज कमिंग 54. देयर इज सम इशू इन दैट. सो द इश्यू इज दैट जो इनपुट में वैल्यू हम एड करते हैं, द वैल्यूज विच वी आर एडिंग इन द इनपुट इज इन स्ट्रिंग. ओके, इज इन स्ट्रिंग. सो हमने जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी एड की है 5 एंड 4, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी हैव एडेड 5 और 4 इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिंग, नॉट एज ए न्यूमेरिकल और इंटीजर. सॉरी, not considered as a integer by Python. Okay, in the input function. तो input function में जो भी हम value डालेंगे वो string में जाएगी. Okay, वो string में जाएगी. तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम convert करेंगे. जो आपने देखा होगा कि string को integer में हम कैसे convert करेंगे, मैंने आपको बताया था जब हम data types पढ़े थे. Okay, so अगर आपको नहीं ध्यान है, so kindly see my videos of data types, there you will find the everything. सो हम क्या करेंगे, सो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ इंटीजर ऑफ ए प्लस इंटीजर ऑफ बी 9. सी आई हैव कन्वर्टेड दिस स्ट्रिंग टू इंटीजर. ओके, यहां पे 5 आ गया, ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई, बट दे आर इन द स्ट्रिंग. सो आई हैव कन्वर्टेड यूजिंग इंटीजर ऑपरेशन, इंटीजर मेथड. सो टू कन्वर्ट दिस ए from string to integer, तो integer 5 plus integer 4 is equal to integer 9. Okay, so this is the way you can use it. Understood? Yes. So इसमें एक और चीज कर सकते हैं क्या. Suppose we have seen that what is our example. So our example is, suppose मेरा ये एक example है. ठीक है, यहाँ पे तो मैंने डाल दिया तो 5 और 4 आ गया, तो और यहां पे मैंने इंटीजर कर दिया इसको, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया. अगर मैं इसको यहां पे इंटीजर कर दू तो लेट्स सी क्या होता है. ओके, मैंने इंटीजर यहां पे इनपुट के टाइम ही दे दिया.
इंटीजर इनपुट के टाइम ही दे दिया, तो मेरा क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे मैंने 5 डाला है, तो पहला सबसे पहले ये फंक्शन रन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 ऐड कर दिया, और उसके बाद में ये बाहर वाला फंक्शन इंटीजर रन होगा, तो जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा मेरे हिसाब से। परफेक्ट, वही हो रहा है। सो यू कैन सी दैट हियर दिस फर्स्ट इनपुट रन्स एंड देन आफ्टर इंटीजर रन्स। सो व्हाट हैपेंस कि जो मेरा वैल्यू इंटीजर में जो स्ट्रिंग आया था दैट इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, ओके, यूजिंग दिस इंट फंक्शन। सो नाउ वी कैन सी प्रिंट ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। ओके, डोंट यूज दिस इंट फंक्शन इन दिस स्ट्रिंग ऑपरेशन, लाइक डोंट डू दिस। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दैट, क्या आप ये मिस्टेक मत कर देना। डोंट डू दिस दैट यू हैव रोट दिस इंटीजर यहां पे लिख दिया और फिर स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, दैट यू हैव रिटन इंटीजर एंड गिविंग द स्ट्रिंग वैल्यू। डोंट डू दिस, दिस विल गिव एन एरर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्लेस द इंटीजर एंड इंटीजर हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग टू इंटीजर। सपोज यू वॉन्ट फ्लोट, सो फ्लोट ऑल्सो यू कैन यूज इट, लाइक 3.5, यू कैन डू दैट यूजिंग फ्लोट ऑल्सो। सो इन विच एवर डेटा टाइप्स यू वॉन्ट दी आंसर, ओके, आउटपुट यू वॉन्ट दी आउटपुट, यू कैन कन्वर्ट इट यूजिंग दैट स्पेसिफिक डेटा टाइप फंक्शन। ओके, तो इस तरह से इनपुट का यूजेज है, ठीक। तो जैसे अब मैं सपोज कुछ भी पूछता हूँ जो मुझे यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, तो वो मैं इनपुट फंक्शन करके यूज करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन द डिटेल। होप सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द डिटेल ओनली हियर, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी मच इन द डिटेल। ओके, नाउ वी विल यूज इन द फंक्शन, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो दैट वॉट इट इज। डोंट मग अप, डोंट डू रट्टाफिकेशन, जस्ट डू प्रैक्टिस एंड वी विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस एंड वी विल सॉल्व दिस। ओके ओके, आई विल